वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंजॉइंग योर स्टडीज एंड सेफ एट योर होम. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन पेज नंबर 23 फॉर द कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 4. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्टली स्टूडेंट्स, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 इन योर कंप्यूटर कॉपी. व्हाट डू यू नो अबाउट मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में. सो देखते हैं आंसर. मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई अ कंप्यूटर. मशीन लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज होती है बच्चों, जो कंप्यूटर के थ्रू समझी जाती है. ऑल प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवेंचुअली जनरेट और रन्स प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. ओके, हमारे जो बच्चे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं, वो प्रायः कहाँ पर जनरेट होते हैं, वो मशीन लैंग्वेज के थ्रू जनरेट होते हैं. मशीन लैंग्वेज इज मेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर बाइनरी नंबर्स. ओके स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज कैसे मेड अप होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये बच्चों बाइनरी नंबर के थ्रू जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डेटा देते हैं, उसके थ्रू ये मेड होते हैं. ओके, नाउ विल बी सी क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, गिव इट्स फीचर. मशीन लैंग्वेज क्या है, आपको इसके फीचर्स बताने हैं. देखते हैं बच्चों आंसर. मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर्स. मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है बच्चों, जो केवल कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट. बच्चों ये किसका कलेक्शन होता है, ये बाइनरी डिजिट का कलेक्शन होता है. और किस फॉर्म में होता है, ये 0 और 1 के फॉर्म में होता है. और बच्चों बाइनरी डिजिट को हम क्या कह सकते हैं, बिट्स बोल सकते हैं. ओके, दैट कंप्यूटर रीड्स एंड इंटरप्रेट्स. देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से आपके लिए 3 लिए गए हैं. तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर फर्स्ट फीचर. इट मेक्स फास्ट एंड इफ़िशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही फास्टली वर्क करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट और यूजफुल है. सेकेंड, इट वॉज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के द्वारा बहुत ही जल्दी और डायरेक्टली समझी जाती है. थर्ड, इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड. बच्चों इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, कि अगर हम इसको डेटा देंगे तो हमारे डेटा को ये ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करेगा, तब ये मशीन लैंग्वेज में चेंज होगा और उसको कंप्यूटर अंडरस्टूड करेगी. ओके स्टूडेंट, इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है. इट इज़ अ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई द कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, बच्चों यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा. ओके, नाउ विल वी सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड ए सुपर कंप्यूटर. आपको माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अंतर बताना है. आंसर देखते हैं बच्चों. माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पज कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर किस तरह का कंप्यूटर होता है बच्चों, जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है. दैट आर मोस्टली यूज फॉर डेली वर्क दैट परफॉर्म्स ऑन लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. और बच्चों ये किस तरह के हमारे उद्देश्य को फुलफिल करता है, ये हमारे जो जनरल नीडेड होते हैं उस तरह की ये पर्पज को फुलफिल करता है. और इसको हम अपने बच्चों डेली लाइफ में यूज करते हैं. व्हाइल सुपर कंप्यूटर ये यूज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. और बच्चों सुपर कंप्यूटर, जबकि सुपर कंप्यूटर किस तरह के पर्पज को कंप्लीट करता है बच्चों, ये इट कैन डील विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. ओके बच्चों, ये लार्ज लेवल पर जो हमारे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करता है. ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे समझ में आया होगा. बच्चों आपको आज के वीडियो में 1 से 3 तक के ही क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे. ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे.